हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमें अभी छत में और जा रहे हैं नीचे को, क्योंकि आजकल छत में ही सो रहे हैं। छोड़ कर रहे हैं, थोड़ी देर जाते हैं छत में काम करने के लिए। ऊपर आजकल किराएदार एक कमरा खाली है तो अपना ही बना लिया है। वो आराम से चलते हैं। और ये अपना नीचे वाला घर, अब इसकी सीढ़ियाँ भी टूटेंगी शायद, पीछे से बनेंगी। अब जा रहे हैं दुकान में अपनी, और घर का और इस टाइम में काम चल रहा है तो ऐसे ही हो रहा है। देखते हैं, कुछ काम होता है तो बाजार को जाएंगे। और अपना ध्यान रखिएगा इस कोरोना के टाइम में। कोरोना वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन तभी भी सुनने में आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। अरे माता जी, जो बना रही है रोटी, ऐसी रोटी हमसे तो बन नहीं पाई कभी नोएडा में, लेकिन ये बना दे रहे हैं। देखो बढ़िया बढ़िया रोटी, गोल बिल्कुल फूलने वाली। हम भी सीखेंगे कभी ना कभी, ये हमसे टेढ़ी मेढ़ी बनती है लेकिन टेस्ट आता है अपनी रोटी बनाई हुई में। आजकल बड़ी बड़ी रोटियां बन रही हैं, बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। ये देखिए, चले करने दीजिए काम इनको भी। और ये हो रहा है देखिए, घर में सब गदर, कहीं पेंट पड़ा है कहीं कुछ। और ये हो गया देखिए फर्श पूरा इधर। और ये आया फर्मे आ गए हैं यहाँ पर, ये लगेंगे ऊपर, यहाँ लेंटर पड़ेगा पूरा। काम चल ही रहा है, थोड़ा बहुत काम ही काम हो रहा है घर में, इसलिए क्या कह रहे टाइम नहीं हो पा रहा है। सोच रहा हूँ लेकिन रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन ऐसे ही हो रहा है। अभी जा रहा हूँ बाजार, थोड़ा सामान लाना है दुकान का, क्योंकि घर में आए तो काम तो करना ही पड़ेगा, और घर का काम बहुत ज़रूरी है। और अपना काम करने में मज़ा भी आता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपने काम को करने में। सुकून मिलता है क्योंकि अपना काम है, जितनी मेहनत करो उतना अच्छा पैसा देता है वो। पापा तो गए आज गाड़ी का काम कराने के लिए, थोड़ा कह रहे थे पट्टे अट्टे टूटे गाड़ियों के, तो क्या कहते हैं उसे काम कराने गए। तो मैं चले जाता हूँ बाजार और कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद फिर आके थोड़ा यहाँ का भी काम रहेगा, पुताई उताई है तो देखते हैं क्या करते हैं, आते हैं। हमारे साथ हैं हमारे रजनीकांत जी, अब थोड़ा चेहरा इनका चेंज हो गया, नहीं तो पहले सेम रजनीकांत लगते थे। दिखाते हैं मैं आपको बिल्कुल करीब से, आज थोड़ा मूछे ऊँछे काटी जा रही है। ये हमारे साउथ के रजनीकांत, ये बार फ्रंट दिखाइए, लोग पहचान रहे नहीं पहचान रहे, रजनीकांत लग रहे नहीं लग रहे अभी भी देख लेते हैं। बताइएगा कमेंट में रजनीकांत लग रहे नहीं लग रहे, पहले डिक्टो रजनीकांत लगते थे, अब थोड़ा तबीयत जब से ख़राब हुई है चेहरा चेंज हो गया इनका, लेकिन तभी भी अभी भी पूरे गुण है रजनीकांत के। पास से दिखाते हैं और मैच करिए, देखिए रजनीकांत की फ़ोटो और इनकी फ़ोटो को, आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। हमारा लेंटर यहाँ पर छत में, और ये हमारे पिताजी लगे पड़े हैं काम पे, और यहाँ से कह रहा है कि सीढ़ी आएगी। ये हमारे रजनीकांत जी ने बना लिए बाल, लाल डाई करके बिल्कुल फिट बैठ गए। अब देखिए चेहरा रजनीकांत लग रहे ही नहीं लग रहे हैं अभी, तो लग रहे हैं पूरे रजनीकांत अभी डाई आई करके, तो थोड़ा बाल सफ़ेद हो गए थे लेकिन अब पूरा रजनीकांत का शो आ रहा है। क्या हो गया, फोन गिर गया क्या, कि किस्मत खराब हो रही है। अच्छा मैंने टाइम पे छुट्टी ले ली, सही करा मैंने टाइम से छुट्टी ले ली। दिखाते हैं आपको लेंटर, दुकान भी देखनी है यार, एक काम थोड़ी है सुशील भाई, इतना पड़ गया इतना सा रह गया बस। ढलांग मुझे इधर की लग रही है, पता नहीं किधर ढलांग है, देखते हैं कधर को ढलांग डाल लें, बात करते हैं जरा, मुझे तो उधर को ढलांग लग रही थी। इन्हीं शख्स को रजनीकांत कहती है, हमारे हल्द्वानी के रजनीकांत है। बरेली में भी रजनीकांत कहा जाता है क्या आपको, बरेली में भी कहा जाता है, और यहाँ नैनीताल मोटर में है अरीना शोरूम आरती के, वहाँ भी सब इन्हें रजनीकांत नाम से जानते हैं। इनका जो रियल नेम है उससे इन्हें कोई नहीं जानता, सब रजनीकांत ही कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनका चेहरा पूरा रजनीकांत जैसा ही लगता है। बता दो जरा हमारे यूजर्स व्यूअर्स को भी बता सकते हैं कि आपको रजनीकांत कहते नहीं कहते हैं। देखो स्माइल भी पूरी रजनीकांत वाली है, कहने में थोड़ा शर्मा रहे हैं क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूट्यूब में रजनीकांत का चेहरा लेके, तो थोड़ा शर्म आ रही है, लेकिन बिंदास आदमी है, जिंदगी मज़े में जी रहे हैं। देखिए आज छुट्टी है तभी वॉच पहन के बढ़िया कपड़े पहन के बैठे हैं, अपना धूप के मज़े ले रहे हैं। अभी नाराज़ हो गए शायद, बात करना नहीं चाहते हैं। चलते हैं, चलिए हम नीचे अब दुकान देखते हैं, दुकान भी देखनी है, लेंटर पड़ रहा है तो दुकान देखने में कोई कोई नहीं है। जाया जा रहा है नहाने के लिए, नहाने की तैयारी करी जा रही है, और शरीर हो गया देखिए पतला, पहले थे हम कितने मोटे और अब हो गए हम पतले। आज भी एक ब्लॉग डाल देंगे इस वीडियो के बाद, आज थोड़ा घूमने वूमने जाएंगे तो बनाएंगे। अब थोड़ा सोच रहे हैं जिम विम कर लें, यहाँ पे एक दो एप्स भी आ जाएंगी ऐसे 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 ऐसे, तो काम बन जाएगा। दिख तो रहा ही नहीं थोड़ा पीछे से,
और इतने पतले हो गए, पहले हम कितने मोटे थे और आज बहुत पतले हो गए। अभी तभी भी ठीक हो गया शरीर यहाँ आने से, वहाँ तो और ज़्यादा पतले हो गए थे। ये देखिए पूरी बॉडी ख़त्म हो चुकी है। चलिए नहाते हैं अपने सुशील भाई के कमरे में। यह हमारा सुशील भाई का कमरा, जिन्हें हम रजनीकांत कहते हैं, और ये कमरे के मालिक हैं। 12 साल हो गए तो मालिकाना हक इन्हें दे दिया गया है यहाँ का। छुट्टी में है तो आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये इनका बिस्तरा जिसमें सोते हैं और अकेले सीते हैं। आपकी बीबी कहाँ रहती है सुशील भाई? बरेली में घर है अपना। देखो सुशील भाई क्या ऐसा है जिंदगी के आजकल टाइम, देखो अपना घर होके कहीं और किराए पे रहना पड़ रहा है, ये जिंदगी है। ऐसे हमारा भी हाल था सुशील भाई, नोएडा में हम भी किराए पे रहते थे, और यहाँ 2 मंजिला क्या 3 मंजिला घर होने के बाद अभी यहाँ देखिए, इस साइड से दिखाता हूँ, इधर और काम चल ही रहा है और हम किराए पे रह रहे हैं। सुशील भाई गलत है सही है? सही है, लाइफ जैसी कट जाए। बिल्कुल अभी भी मन तो करता ही अपने घर में जीने का, कितना है। बिल्कुल होता तो सुशील भाई तुम्हें कितने लोग रजनीकांत कहते हैं ये बताओ पहले, कंपनी के अंदर, अपनी है। कंपनी अरे के अंदर 150 आदमी 150 आदमी है, और बाहर भी कोई कहता है? कभी मिला है कोई ऐसा है तुम बाहर रजनीकांत जैसे बाहर लगते बाहर हो? उत्तराखंड में कहीं निकल जाओ। मतलब किसने टोक रोक के कहा है कि अरे भैया तुम तो रजनीकांत लग रहे हो? अरे रोकने की बात कर रहा है, लोग चाय नाश्ता बिस्कुट और दारू तक खुलवाए, बोले यार अरे सेल्फी सुशील ले जाए। भाई सही है, दारू के इच्छुक भी लग रहे हैं अपने सुशील, लेकिन पीते नहीं है, मजाक कर सेल्फी रहे हैं खाली। सेल्फी लेते लोगों ने सेल्फी लिए, लोग कल्टो से छोड़ के यहाँ गए हैं। सुशील भाई भी अपने नैनीताल बॉर्डर में काम करते हैं, बगल में शुरू में थोड़ा सा दूर है इसलिए पास में ही पर कमरा ले रखा है, और बच्चे हैं इनके बरेली में, और लड़का जॉब करता है, और आंटी जी घर में हैं। ये है हमारे सुशील भाई का चेहरा, बिल्कुल लुक, और बड़े प्यारे लगते हैं और खुश रहते हैं। कोई लाइफ में टेंशन हो तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन तो इनकी जिंदगी में इतनी आती है, एक जाती है और एक आ जाती है, लेकिन खुश रहते हैं तभी भी। तो ऐसे ही खुश रहो जिंदगी में, क्या है आना है और जाना है। सुशील भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल चलिए अब जाते हैं हम घूमने के लिए, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं अब। चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और आप आज मुझे नंगा ही नंगा देख रहे होगे क्योंकि कमीज अभी अभी उतारी है, पहनी थी कमीज, अब दूसरी एक टी शर्ट पहन रहा हूँ। बड़े दिनों बाद तो आज नहाई है मैंने, 4-5 दिन बाद। एंड करते हैं ब्लॉग को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना।